नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ हैं कुणाल, जिन्होंने खरीदी है टाटा की नेक्सॉन की XMS। और आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने गाड़ी खरीदी क्यों है और यहां तक पहुंचने की वजह क्या रही, क्योंकि इस सेगमेंट में नेक्सॉन धमाल मचाए हुए है, हर कोई इसे पसंद कर रहा है। तो कुणाल, यही गाड़ी क्यों? इसकी ये गाड़ी में पहली गाड़ी है मेरे ख्याल से जो इतने कम रेट में सनरूफ दे रही है और इतने सारे फीचर्स दे रही है, इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है। तो एक ये था मेजर पॉइंट। और क्या क्या देख रहे थे इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में एक XUV देख रहे थे, XUV300 और वेन्यू। तो उनमें थोड़ी एक महंगी भी थी जो सनरूफ वाला वेरिएंट मुझे चाहिए था, बाकी एक ग्राउंड क्लियरेंस नहीं थी उतनी। अच्छा। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो है ही। तो एक चीज बताओ, पापा ने गाड़ी खरीदी है अपने नाम पे, तो आपको चलाने को देंगे? मैंने ही बोला ही याली गाड़ी लो, तो जाहिर सी बात है देंगे ही। तो पापा ने तोहफे में नहीं दी है, लेकिन पापा ने अपने नाम से ली, इनको चलाने को देंगे ये पक्का रहा, क्योंकि इन्होंने पूरी मदद की है इस गाड़ी को उनको खरीदवाने में। तो और सारी बातें करेंगे इस गाड़ी के अंदर बैठकर, चलाने नहीं जा रहा हूँ, चलाएंगे बाद में जब ये 2000 किलोमीटर चला लेंगे, ठीक है ना? 2000 किलोमीटर के बाद मिलोगे ना? हाँ जी। इन्होंने वादा कर दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके साथ अंदर बैठते हैं गाड़ी में और फिर बहुत सारी बातें करते हैं जो वजह बनी इसे खरीदने की। तो कुणाल के साथ मैं इनकी गाड़ी में आ गया हूँ, इनकी नहीं, इनके पापा की गाड़ी में आ गया हूँ। गलत बोल रहा हूँ, बताइए। पापा की है ना? बिल्कुल सही, पापा की। इस देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि पापा की बोला, नहीं तो उनको बहुत सारे बोलते हैं कि पापा ने गिफ्ट कर दिया, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी है। तो कुणाल ने इस गाड़ी को खरीदवाने में पापा की मदद की है। इसके पहले परिवार में कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले थी आई10 थी, आई10 एरा 2008 मॉडल। अच्छा, तो आप चलाते थे उसे? हाँ, वो चलाई है मैंने, दो एंड के 2-3 साल चलाई है मैंने अच्छे से। तो अभी क्या वजह क्या थी जो गाड़ी बदलनी पड़ी आपको? वो गाड़ी को हो गए थे 12 साल हो गए थे और अब नई नई गाड़ियाँ आ रही थी, पापा को भी SUV का थोड़ा शौक है, तो फिर ले ली। तो नेक्सॉन ही क्यों? नेक्सॉन एक तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें सेफ्टी बहुत है, जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी है वो सब जानते हैं, एक वो था। बाकी इसकी बहुत ही बेहतरीन वो है ग्राउंड क्लियरेंस 209, तो एक वो था। बाकी इसमें सनरूफ, सबसे सस्ती सनरूफ ये प्रोवाइड टाटा ही प्रोवाइड कर रहा है अपने सारे भी जितने भी वो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, तो एक सनरूफ वाला मुझे वेरिएंट चाहिए था, क्योंकि आज की डेट में सनरूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब मेरे ऐसे बंदों के लिए तो हो गई है। अच्छा, तो ये 3 रीज़न थे मेजर बस। बाकी तो सनरूफ ही क्यों चाहिए? अच्छा लगती है सनरूफ, ऊपर का वेदर हो, बढ़िया बढ़िया मौसम हो। अच्छा, तो बैठ रखे हो आप दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ, तो कभी फिर आपको लगता है पापा इतना मौका देंगे कि आप दोस्तों के साथ यारों के साथ इस गाड़ी को लेके एंजॉय करो? अभी जैसे पापा दिल्ली में ऑफिस है उनका, और जब तक टेम्परेरी नंबर नहीं आता तो वो लेके जा नहीं सकते तो बस मतलब पूरा तुमने जुगाड़ बना रखा है। चलो, बना तो रखा है, तभी चलिए। पहले लेके कहाँ जाओगे इसे? इसे लेके तो अभी ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं सोचा है। अच्छा, वैसे कितने किलोमीटर चलाते हो आप लोग देखा जाए तो ओवरऑल? मेरा तो नोएडा में रन होता है ज़्यादा, बाकी पापा का होता है यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वापस। अच्छा, तो पापा एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, एयरपोर्ट पे। तो अगर जब आप इसे खरीदने के लिए निकले थे तो और क्या क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? आपको लगता है कि अगर ये ना खरीदते तो क्या और होती आपके पास? अगर हम टाटा नेक्सॉन ना खरीदते तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही मेजोरिटी वो था कि वेन्यू लेते। अच्छा, हिंदी वेन्यू, वेन्यू का लेते, वेन्यू का जो मेरे ख्याल से बेस से एक या दूसरा मैं मॉडल का नाम भूल गया हूँ, वो लेते। अच्छा, बेस मॉडल वाला? हाँ, बेस मॉडल से, क्योंकि वही था अंडर 10 लैक्स में, वही सही मॉडल लग रहा था, तो वही। अच्छा, लेते। तो जब और देख रहे थे और क्या क्या दिमाग में था इस गाड़ी के अलावा, क्योंकि वेन्यू हो गया, इको स्पोर्ट करते कभी दिमाग में आया था? एक्सयूवी आया था दिमाग, क्योंकि इको स्पोर्ट में भी सनरूफ आ गया है, अभी आज ही लॉन्च हुआ है। इको स्पोर्ट्स में पहले नहीं था, इको स्पोर्ट्स पापा को भी बहुत ज्यादा पसंद। मतलब अगर इको स्पोर्ट ना एक दो दिन बाद वो लॉन्च करते, पहले लॉन्च कर देते, तो मुझे लगता है कि वो आप खरीद लेते। वो हाँ, कंसिडर करते, खरीदते ये ली, कंसिडर करते। अच्छा, जैसे आप बहुत सारे देख रहे होगे कि आप वीडियोस आते हैं कि टाटा नेक्सॉन किसी ट्रेन से भी टकरा गई तो दिखाते हैं ना, वो मीम चलते रहते हैं, आपको लगता है उतनी ही सेफ है? मुझे तो लगता है कि बहुत सेफ है ये, जिस तरह इसका बोनट है, इतना हैवी बोनट है, वो तो लगता है काफी सेफ। आपको लगता है कि ट्रक को अगर कहीं थोड़ा बहुत टच हुआ तो टच ट्रक जो है साइड में गिरा मिलेगा? नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, अच्छी है, सेफ रहेंगे जो है, जो पैसेंजर है वो सेफ रहेंगे। अच्छा, किस तरह के ड्राइवर हो आप? मैं हूँ मतलब ठीक ठाक से ड्राइवर हूँ। थोड़ा मस्ती वाला चाहिए या नॉर्मल चलाना चाहते हो, ज़्यादा माइलेज चाहिए?
मेरे पर्सपेक्टिव से तो माइलेज उतना नहीं निकल पाता है, लेकिन हाँ पापा निकाल लेते हैं ठीक ठाक का। अच्छा, तो लगभग क्या माइलेज देख रहे थे जब आप खरीदने की सोच रहे थे, तो इतना माइलेज पापा देख रहे थे? मेरा तो मेन रिक्वायरमेंट नहीं था माइलेज का, लेकिन पापा ने देखा था, पापा को थोड़ा मतलब जो भी एक अच्छी एसयूवी में उनको ये ठीक ठाक लगी थी, एक ये लगी थी अच्छी और एक लगी थी एवरेज में ये आपकी ब्रेजा, लेकिन ब्रेजा में उतने कुछ फीचर्स। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर ये पापा ना लेते आप लेते तो शायद ऑटोमेटिक ना लेते, गलत हूँ? मैं ये ऑटोमेटिक लिए मम्मी के चक्कर में, मैं मैनुअल के लिए था। मम्मी ड्राइव करती है? मम्मी हाँ ड्राइव करती है। अच्छा, तो इन लोगों के चक्कर में आपका एक अरमान जो है मैनुअल वाला रह गया? नहीं, मैनुअल भी ये है कि पहली वाली गाड़ी मैनुअल थी, बाकी ऑटोमेटिक है कोई नहीं। और क्या क्या फीचर इसमें अच्छे लगते हैं आपको इस गाड़ी में जो आपने लिया है? इसमें स्पेस बहुत है पीछे, बैठ के देखा? हाँ बैठ के देखा है। वो मतलब वो एक्सयूवी 3XL से तो मतलब हाँ थोड़ा आसपास का ही है, लेकिन एक्सयूवी 3XL में ज्यादा स्पेस? हाँ मतलब वो भी थोड़ा है बढ़िया, उसमें भी बढ़िया स्पेस है, लेकिन फिर जो वेन्यू आपकी वेन्यू हो गई, ब्रेजा हो गई, उनसे तो बहुत बेहतर है, उनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, बाकी फिर इसमें बकेट सीट्स वगैरह हैं वो भी बेहतर। अच्छा, कहीं ये डर नहीं लगा कि भैया रिलायबिलिटी का थोड़ा इशू आएगा टाटा का, क्योंकि टाटा डीलर्स पे बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जहां पे सर्विस नहीं देते? इनकी तो बात अलग है क्योंकि इन्होंने जहां से खरीदी है ये सागर मोटर्स है, सागर टाटा मोटर्स है, नोएडा में स्थित है, और यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गाड़ियां ये लोग बेचते हैं और बहुत हैप्पी कस्टमर है इनके, गलत हूं? नहीं नहीं, तो लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है टाटा को, या आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली? नहीं नहीं, दिक्कत वाली तो बात नहीं, जब मैंने रिव्यूज पढ़े तब मैंने सबके रिव्यूज में यही सुना था कि टाटा गाड़ी अच्छी बनाता है, लेकिन जो दिक्कत आती है वो डीलरशिप में आती है, तो मुझे वो थोड़ा डाउट था यहाँ पे भी कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ दिक्कतें विक्कतें आ जाए तो, लेकिन फिर हाँ ये अच्छे लोग थे, अच्छे उन्होंने अच्छी से डीलिंग करी, ट्रीट किया, दिक्कत वाली बात। अच्छा, कितने की पड़ी एग्जैक्टली पूछू आपसे तो? एग्जैक्टली ये हमें पड़ी थी 10.6 या 10.13 के अराउंड, ऐसे कुछ 10.30 के अराउंड पड़ी, साढ़े उसके नीचे। तो अगर ये सनरूफ ना होता तो आप इसे ना खरीद रहे होते? हाँ, अगर सनरूफ नहीं होता तो इसे नहीं। ये सनरूफ वाली चॉइस आपकी है? सनरूफ वाली चॉइस मेरी है, बिल्कुल मेरी है। और क्या क्या अच्छा लगा फीचर्स के लिहाज से पूछूं आपसे इस गाड़ी? फीचर्स के लिहाज से एक ये सिटी इको स्पोर्ट्स वाला मोड, ये बड़ा सही लगता है। तो आप इसे यूज करोगे? मैं तो स्पोर्ट्स में रहूंगा। तीन मोड है, स्पोर्ट भी रहोगे? मैं तो स्पोर्ट्स में रहूंगा, बाकी पापा को रहना पड़ेगा इको में अगर एवरेज निकालना है तो। मतलब पापा को अपनी सलाह दे रहे हैं, भैया आप इको में रहिएगा, माइलेज मिलेगा और ये रहेंगे स्पोर्ट में, तो एक मोड छूट जा रहा है सिटी वाला, एक इसके लिए मम्मी के लिए छोड़ा हुआ है। मम्मी के लिए? मम्मी चला लेगी सिटी में। तो इन्होंने गाड़ी देखा है, कितने लोग हैं परिवार में? तीन लोग। तीन लोग हैं, तीन लोगों का परिवार है, तो इनको गाड़ी ऐसी चाहिए थी जिसमें तीन ड्राइविंग मोड हो। तो पापा के लिए हो गया इको, मम्मी के लिए हो गया सिटी, और भैया के लिए हो गया स्पोर्ट मोड। तो भाई इससे बढ़िया तो ऑप्शन और कोई नहीं था आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बूट की बात करें तो बूट में मतलब इस सेगमेंट में आपको कैसे, आपने अपने आपको समझाया कि भैया बूट स्पेस ठीक है? बूट स्पेस तो मैंने उतना कंसिडर नहीं करा था किसी और गाड़ी में, क्योंकि बूट उतना कुछ मतलब था, लेकिन हाँ इसमें भी है, मैं देखा बूट, वो बूट लाइट भी है, तो मुझे ये बढ़िया लगा था, बूट स्पेस है काफी है। तो दोस्तों से वादा कर दिया है कि भैया आ रहा हूँ उस गाड़ी में चलेंगे हम आज पार्टी वार्टी करके? अभी दो तीन दोस्त है वो कह रहे हैं आओ जल्दी घर आ। अच्छा, पापा कैसे हार्ड किस्म के हैं, मान जाएंगे तुम्हारी बात, बोलोगे भैया लेके जा रहा हूँ तो दे देंगे? तो बोल दिया है कि जाना है, पापा बोलेंगे अब चले जा, कल ऑफिस तो जा ही रहे हैं पापा। तो जब पापा गाड़ी खरीदे और बच्चे उन्हें सजेस्ट करें तो समझ लो उनके पास ऐसी गाड़ी आने वाली जिसमें सबकी मुराद पूरी होने वाली है, जैसे कि इस गाड़ी में पूरी हो गई। तो सिटी बोले मम्मी, इको बोले पापा, स्पोर्ट बोले तो भैया। तो इतनी सारी अगर कोई चाहत पूरी कर सकता है तो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन इसलिए सबसे ज्यादा बिक रही है, अब आपको अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जब भैया पार्टी वार्टी पूरी कर लेंगे 2-3 हजार किलोमीटर चला लेंगे, तो इन भैया की ये जो अच्छी वाली बातें हैं ना फिर से आपके सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि ये अपनी गाड़ी को चलाकर कितने खुश हुए हैं। क्योंकि अभी तो मैं इनके साथ सिर्फ बैठ के इन्होंने क्यों खरीदा ये जानने की कोशिश कर रहा था। अगले वीडियो में पूरा का पूरा कस्टमर रिव्यू लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि ये अपने इस नेक्सॉन से कितने खुश हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, कल जाइएगा मत, और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर साझा कीजिएगा।